सोचिए कि आप बाथरूम में नहा रहे हों और अचानक से शावर में से पानी के बदले अगर नोटों की बंडल आपके सर पर गिरती है तो आप वहां पे कैसा रिएक्ट करेंगे? और नोटों की तो बारिश हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चॉक्ड पैसा बोलता है वेब मूवी के बारे में, जिसे रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। और इसी के साथ साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल अपडेट वन पर। कुछ दिन पहले नेटफ्लिक्स पर आई थी सीरियल किलर, जिसे देखने के बाद दर्शकों ने सिर्फ यही कहा था, ये तो टट्टी है। लेकिन चॉक्ड मूवी को देखने के बाद आपका मूड थोड़ा ठीक होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा बहुत चॉक्ड मूवी के बारे में। मूवी की कहानी शुरू होती है एक मिडिल क्लास फैमिली से, और जैसा कि हर मिडिल क्लास फैमिली में होता है, हर दिन पैसे का हिसाब और पैसे को लेकर मारामारी, जैसा कि हर फैमिली में होता है, या फिर कह सकते हैं हर मिडिल क्लास फैमिली में आप ये देख ही पाएंगे कि हर वक्त आपसे पैसे का हिसाब लिया जाता है कि आपने कौन से पैसे कहाँ पे खर्च किए हैं, या फिर आपने इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए इस महीने में। इस बारे में तो हर मिडिल क्लास फैमिली को सोचना ही पड़ता है। लेकिन कभी मिडिल क्लास फैमिली की किस्मत बदल भी जाती है, और इसी बदलते हुए किस्मत को इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। मूवी में मेन स्टारिंग के रूप में सरिता, जो कि हमारे इस मिडिल क्लास मूवी की हीरोइन है, उसे अचानक से ही अपने किचन में से कुछ पैसे बाहर निकलते हुए नजर आते हैं, और उसी दिन से उसकी किस्मत बदलना शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में अगर ट्विस्ट ना हो तो मजा नहीं आता है। सरिता को जितने भी पैसे मिलते हैं वो सारे के सारे 500 और 1000 के पुराने करेंसी में रहते हैं, और उसी वक्त मोदी जी का ऐलान होता है कि सारे के सारे 500 और 1000 के करेंसी बैन कर दिए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि डीमोनेटाइज कर दिए जाते हैं। और उसी वक्त से सरिता की चिंताएं बढ़ जाती है कि वो इतने सारे पुराने करेंसी का क्या करेगी, और इन सभी पुराने करेंसी को नए नोटों में कैसे बदलेगी। खैर छोड़िए, अब बात करते हैं कि ये मूवी मुझे कैसी लगी। तो दोस्तों, ये मूवी मुझे काफी हद तक अच्छी लगी, क्योंकि मूवी की प्रेजेंटेशन आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। भले ही मूवी की स्टोरी बहुत ही सिंपल है, लेकिन मूवी की स्टोरी सिंपल होने के बावजूद डायरेक्टर ने आपके सामने इस मूवी को बड़ी खूबसूरती से प्रेजेंट किया है। मूवी के डायलॉग्स, एक्टिंग, यहां तक कि लोकेशन और सीन्स, सभी के सभी आपको ओरिजिनल फीलिंग देंगे। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये घटना आपके सोसाइटी में घट रही हो, या फिर आपको ऐसा फील होगा कि ऐसी घटना तो हमारी सोसाइटी में बीच बीच में घटती ही रहती है, या फिर हमारे आस पड़ोस में ऐसे झगड़े तो सुनाई देते ही हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल मूवी की स्टोरी वीक होने के बावजूद भी दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि स्टोरी को बहुत अच्छी तरह से दर्शकों के सामने प्रेजेंट किया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो अगर मैं इस मूवी को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 3.2 स्टार, क्योंकि मुझे ये मूवी बहुत हद तक अच्छी लगी। तो दोस्तों, बहुतों के मन में ये सवाल है कि हम इस मूवी को देखें या ना देखें। तो मेरा ओपिनियन है दोस्तों कि इस मूवी को एटलीस्ट आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि ये मूवी आपके रोज की जिंदगी जैसी ही लगेगी, और आपको ये ऐसी फीलिंग देगी जैसे कि ये मूवी में आप ही एक्टिंग कर रहे हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए रिव्यू के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।